हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मेरे बोलने में थोड़ा फ़र्क आपको लग रहा होगा, और इतने दिन से वीडियोस ना बनने का रीज़न भी यही है। मेरे मुंह में यहाँ पे एकदम जस्ट छाला निकला हुआ है, जिससे मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मेरा दांत टच होता है इसमें। तो आज मुझे वीडियो आज भी बनाने का कोई मूड नहीं था, लेकिन आज मुझे एक इंस्टेंट DIY करना है। तो उसके करने के पीछे कोई वीडियो का रीज़न नहीं है, उसे करने के पीछे ही सचल के कॉलेज में उसकी नीड है, ज़रूरत पड़ेगी। तो एक फ्रेशर कार्ड में बनाने वाली हूँ, फ्रेशर पार्टी है इसके कॉलेज में, तो उसके लिए मुझे कार्ड बनाना है। तो मैंने सोचा सिर्फ कार्ड ही क्यों, और भी कुछ दो चार चीज़ें मैं इस वाले वीडियो में ऐड कर सकती हूँ। तो आज मैं आपको कुछ सूटों का कलेक्शन भी दिखाऊंगी, जो मेरे पास अभी सिलने के लिए पड़े हुए हैं, और जो मैंने कुछ सिल दिए हैं, मतलब कुछ ही हैं, बहुत ही कम है। जैसे फेस्टिवल सीज़न है, अभी नवरात्रि भी आ रही है, तो उनके लिए आप क्या कुछ पैटर्न्स बना सकते हैं और क्या कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आपको अभी आपको मैं सूट दिखाना स्टार्ट करती हूँ। उसके लिए मैंने सबसे पहले फर्स्ट वाला सूट दिखाया है। तो ये एक सिंपल सूट है, सिर्फ इसकी मैंने स्लीव्स में एक डिज़ाइन डाला है, वो भी जो पतली वाली इलास्टिक होती है उसे सिर्फ नीचे लगा दिया है, और कुछ ज़्यादा नहीं किया है, एकदम सिंपल सूट है। और इसके बॉटम में एक वो ये अफगानी प्लाजो इसे बोलते हैं शायद, सिंपल प्लाजो की तरह ही होता है, सिर्फ इसमें नीचे की तरफ घूम डले होते हैं और घूम वो बने होते हैं पहुँचे। एक चेक का सलवार है, चेक में बहुत ज़्यादा कपड़ा चल रहा है, तो आप इस तरह के पैटर्न्स भी बनवा सकते हैं। और एक सिंपल सूट है, काफ़ी सुंदर सूट है, लेकिन इसका डिज़ाइन एकदम सिंपल है, तो इसलिए मैंने इसे ज़्यादा खोल के नहीं दिखाया। ये वाला सूट मैं शायद आपको मतलब प्रीवियस वीडियोस में दिखा चुकी हूँ, इसमें कुछ मिस्टेक थी वो उसे दूर किया है मैंने। और ये कुछ अनस्टिच कपड़े हैं, तो इन्हें मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप इस तरह के कपड़े खरीद सकते हैं फेस्टिवल सीज़न के लिए, क्योंकि गर्मी के लिए काफ़ी हल्के भी हैं और सुंदर भी हैं। तो ये ग्रीन वाला था, ये मुझे काफ़ी पसंद आया, येलो वाला भी कलर ठीक है, लेकिन मुझे वो थान वाले जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादा पसंद आते हैं, तो इसमें रेड बॉटम थी। और ये वाला जो कपड़ा है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, आप लोग अपने आसपास में भी ये वाला देखते होंगे। इसका बॉटम भी सेम ही है, अभी आपको दिखाऊंगी मैं, प्लेन है। और एक जो ऊपर ये ऑरेंज वाला पड़ा हुआ है, ये सेम है इसका सूट भी और पैंट भी। और एक ये वाला जो कपड़ा है, ये मेरा यानी मम्मी का कपड़ा है, तो इसके लिए आपको कमेंट करके बताना है कि इस पर सलवार यानी बॉटम में कैसा मतलब हम फैब्रिक ले, जिससे हम कोई भी पैटर्न बना सकें, तो इसके साथ सबसे ज़्यादा मैच कौन सा कपड़ा करेगा। ये एक मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेंड में देखा है, इस तरह का एक ये टॉप बोलेंगे इसे, सूट बोलेंगे मुझे नहीं पता, आगे से कटा होता है और इसकी कोटी में मतलब कोटी का जितना बंद होता है उसके नीचे से कट है इसमें काफ़ी लंबा। और ये मैंने एक डिज़ाइन बनाया था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सूट दिखा दिए हैं, तो भी मेन काम कर लेते हैं, जिस वजह से ये वाला वीडियो आप लोगों के पास तक पहुंचेगा। यदि ये वर्क नहीं होता तो शायद मैं अभी और एक दो दिन वीडियोस नहीं डालती, फिर तक मेरा छाला ठीक नहीं हो जाता, लेकिन अभी करना पड़ेगा। लेकिन अभी काफ़ी हद तक ठीक है, एक दो दिन लगेंगे एकदम ठीक हो जाएगा। तो जो DIY करने वाले हैं, जो कार्ड बनाने वाले हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए उन्हें दिखा देती हूँ, और कार्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अभी इस DIY को बनाने स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले आपको चीज़ें दिखा दी। दो चार्ट पेपर मैंने चूज़ किए थे, ब्लैक और पिंक, लेकिन ब्लैक चार्ट पेपर बहुत ज़्यादा कम था, जिससे मेरा जो मेन पीस था वो नहीं निकला। तो उसके बाद प्लान चेंज किया और एक पिंक कलर की सीट रखी हुई थी, तो मैंने इससे बनाने स्टार्ट किया। इसमें काफ़ी सारे झंझट हुए, वो आपको आगे के वीडियो में पता चलते जाएंगे। तो अभी आप सोच रहे होंगे ये बर्तनों की दुकान क्यों लगा ली है प्रिया ने, तो मैं कभी भी सर्कल करने के लिए कंपास का यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब बड़ा हो सर्कल या छोटा हो, तो घर में सब साइज़ के बर्तन मिलते हैं, तो उन्हीं से मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सभी को रख के देखा, लेकिन जो मेरा एक कप है ये एकदम फिट बैठा, तो इससे मैंने एक सर्कल कट कर लिया है। इसमें अभी सिर्फ सर्कल किया, अभी इसे मैं कट करके निकाल लूँगी इसके फ्रंट पेज में। इसमें हमने दो पेज कर लिए क्योंकि इसे हमने बीच से फोल्ड कर लिया है, तो इसे मैं नाइफ कटर की हेल्प से कट कर लूँगी, काफ़ी ईजी कट हो जाता है इससे। इसे मैंने अभी ख़रीदा है, पहले मेरे पास नहीं था, तो आप किसी भी नॉर्मल ब्लेड कटर या सीज़र से भी इसे कट करके निकाल सकते हैं। कट करने के बाद यहाँ पे मैं फिर से ब्लैक चार्ट पेपर को यूज़ कर रही हूँ, तो जो जितना ये हमारा डबल करने के बाद इसका साइज़ है वो मैंने कट करके निकाल लिया है। और इसे हम क्या करेंगे अभी आप देखोगे, वैसे मैं आपको बताती हूँ। इसे हम इसके जो हमने ये अपना एक ये डबल फोल्ड में किया है ना पिंक वाला पेपर, इसके पीछे वाले पेज में यानी अंदर इसके हम इसे स्टिक कर देंगे, और थोड़े टाइम के लिए इसे मतलब किसी भी वेट वाली चीज़ के नीचे रख देंगे, जिससे कि वो पेपर आसानी से चिपक जाए। और अभी जो हमने कफ से मतलब वो सर्कल किया था उसे करने के बाद एक आउटलाइन जैसा हम बना लेंगे, तो ये आप देख सकते हो, इसे मैं कट करके निकाल लूँगी। और जो हमने रेडी करके रखा है कार्ड, उसमें यहाँ पे इसे मैं एज ए आउटलाइन लगा सकती हूँ। आप लोग चाहे तो स्टोन भी लगा सकते हो,
तो ये मैं भी आपको बता दी, जब मैं ये चंचल के लिए बना रही थी तो ये काफ़ी छोटा था, तो फिर अभी टीचर्स डे भी आने वाला था जब मैंने ये बनाया, तो अभी तो जा चुका है, जब ये वीडियो आपके पास पहुँचेगा तो ये मैंने निधि के लिए टीचर्स डे के लिए कार्ड बना दिया। और चंचल के लिए जैसे ब्लैक शीट कम थी तो मैंने एक पहले कोई DIY बनाया था उसमें ब्लैक शीट यूज़ की थी, तो वो एकदम नई रखी थी, उसे मैंने यूज़ करके चंचल के लिए कार्ड बनाया है। जैसा मैंने बताया उसका फ़ोटो आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने निधि के लिए यानी कार्ड बना दिया है, तो इसी तरह से मैंने चंचल के लिए बनाया। यहाँ पे मैंने निधि के लिए ये वाली शीट यूज़ की है, ग्लिटर शीट। चंचल के में मैंने स्टोन्स लगाए थे क्योंकि इतने ज़्यादा स्टोन्स हमारे पास थे नहीं कि हम दोनों कार्डबोर्ड में लगा सके, कार्डबोर्ड नहीं सॉरी ये कार्ड जो है। और अभी मेरी नज़र में एक कार्ड रेडी हो गया है, तो मैंने निधि से बोल दिया अपने टीचर के लिए जो कुछ लाइंस आपको इसके अंदर लिखनी है व्हाइट पेन से लिख सकती हूँ। मेहनत करने के बाद तो अभी मैंने ये वाला कार्ड बना के रेडी कर दिया है, और ये मैंने निधि के लिए बनाया जैसे कि मैंने आपको बताया। तो चंचल के लिए कार्ड कैसा बनाया है मैं वीडियो में लगा दूंगी, आपको उसको फोटो दिखा दूंगी इसके बाद, क्योंकि मैं उसे बनाने वाली हूँ। अभी काफ़ी टाइम हो गया है, रात हो रही है, तो तब तक आप लोग ये वाला DIY ट्राई कर सकते हैं। ये वाला वीडियो मैं काफ़ी जल्दी बना चुकी हूँ, बट पोस्ट कब होगा वो अभी मुझे पता नहीं है। तो आप लोग ये वाला कार्ड देख लीजिए पहले अच्छे से, और आप इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं वो तो मुझे नहीं पता, आप लोग जो कुछ करें तो मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया है उसे आप मेरे साथ इंस्टा पे कर सकते हो, मेरी आईडी है प्री कसाना। तो इसे मैं आपको एक बार खोल के भी दिखाती हूँ। यहाँ पे आप अपने टीचर के बारे में, फ्रेंड के बारे में कुछ भी लिख भी सकते हो। तो इस कार्ड को आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, एज ए टीचर्स डे कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, और फ्रेंडशिप डे हो या फिर किसी का बर्थडे हो या फिर किसी भी तरह का कोई सेलिब्रेशन हो तो उसके लिए आप इसे वो क्या बोलते हैं इनविटेशन कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं चंचल को बना लेती हूँ और उसका भी फोटो आपके साथ शेयर करूँगी इसी वीडियो में लास्ट में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ तो एक ही बार कहने से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बाय बाय।